सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। सारे शैताना जीना और चुड़ैला मेरे को देख के डरते और इनू मेरे को डरा रहे। पानी नको खून पी तू, एक करेले का जूस तो पीने आता नहीं, खून पीते कते। देखो उनको, देखो देखो देखो, खून पी तू। मम्मी अजी, अम्मी इनके आंख में अपरिचित का जिन आ गया शायद, इनु मुंडी नीचे और पैर ऊपर डाल के बैठे हुए हैं। जिन बिन क्या भी नहीं रहता के पागल पुट्टी, अगरबत्ती के चुरके दे जिन भी भाग जाता। ठीक है अम्मी। अच्छा सुन, आज फौजिया के तीसरे साड़ू जलील भाई के पड़ोसी के बेटे की खतना खुशी की दावत है, उन्होंने सबको दावत दिए, आओ बोल के बोले, तेरे मुँह जल्ले मरद को भी ले ले क्या। अच्छी बात है अम्मी, ठीक है। अगरबत्ती खून, खून होना, खून होना, हाँ, खून होना। माँ का साथ, इन्हें अगरबत्ती के चुरके देती क्या जिन भगाने के वास्ते में? खून होना नहीं। अपरिचित आ गया आंख पे, चलेगा Jagir was born a life tailor made for the happiness. In the addition to wealth and fame. पढ़ के बहुत उजाला डाले, अब मेरी बात सुनो। अजी, सलीम भाई के बेटे जहांगीर की जो नकटी बीवी फौजिया है ना, उनके तीसरे साड़ू जलील भाई के पड़ोसी के सबसे छोटे बच्चे की खतना खुशी की दावत है गते। तो उसकी दावत सलीम भाई के बेटे जहांगीर की नकटी बीवी फौजिया है ना, उनके तीसरे साड़ू जलील भाई को आई गते। तो ना अपने को भी इनवाइट करे, तो अपने को भी जाना है। चलो हाँ चलो चलो, जंगे जंगे चलो। एक काम करो, तुम्हारे अम्मी अब्बा को फोन करो, उन लगा भी आते हैं। छोटा को फोन करो, उन्हें भी आता होगा। और गली में जाके अनाउंस करो, जो जो आना चाह रहे हैं सबको ले लो, टेम्पो में डाल लेके जाएंगे। हाँ अब भी बोल के आके। इंद्रिया औरत तो सलीम भाई के बेटे जहांगीर की जो नकटी बीवी फौजिया है ना, उसके तीसरे साड़ू जलील भाई की जो दावत आई, वो सिर्फ उसके फैमिली को आई सोए। जलील भाई, उनकी बीवी, उनके बच्चे, पूरे खानदान कबीले को नहीं आई सोए दावत वो। देखो तुम्हारे को आना है तो आओ, नहीं तो नक्को आओ, मगर मैं तो जाती हूँ। फौजिया बाजी बड़े उससे बोले। किससे बोले? बड़े उससे बोले। तो तुम ही जाओ। पैसे दो। भाई के पैसे नहीं, साड़ी खरीदने के वास्ते। मैं देता। दियो जी। जहेज में गया तुम्हारे बाबा, निजाम की दौलत दिए थे जो इतने रुआब से भरे, दिए जी। और तुम क्या सोच के पैसे पूछे, नई साड़ी खरीदने के वास्ते में पैसे दो? तुम क्या फलकनुमा पैलेस में एमएलए के बेटी की शादी में जा रहे क्या नई साड़ी पहनने के वास्ते में? नहीं, तुम खतना खुशी की दावत में जा रहे और उसमें पुरानी फट्टी साड़ी पहने तो भी चलता। ये फट्टे पुराने कपड़े तुम पहन के जाओ, मैं तो नई साड़ी पहन के जाती हूँ। दो मेरे पैसे वापस करो। तुम्हारे कौन से पैसे? अजी वो 2000 रुपए में वापस नहीं करी थी जो तुम मेरे को रख लो बोल के दिए थे। रख लो बोल के नहीं, रखो बोल के दिया था। जी क्या झूठे आदमी है जी तुम। हाँ तुम मेरे को ऐसा नहीं बोले थे कि शादी के बाद भी तुम्हारे से बेइंतहा मोहब्बत कर तुम्हें जीनत बोल के? तो मेरे को क्या आलम था कि मेरी शादी तुम्हारे से होने वाली है? सो तो तुम मेरे को नई साड़ी नहीं दिलाते बोलो। बोल दिया, नहीं देता हूँ। अरे तुम भी समझना भाई, हाँ अरे एक्स्ट्रा खर्चा कहीं को बोल के? अरे अपन लोग गरीब लोग हैं भाई, ऐसा फजूल खर्चा नहीं करना। तो फिर बायोडाटा में ये कहीं को लिखे थे 40,000 तनख्वाह बोल के? बायोडाटा की बात ना को निकालो, बात गलत हुआ थी। हाँ मेरे पास भी बहुत बात है बोलने के वास्ते, बात ना को निकालो बायोडाटा की। मैं अभी भी समझा के बोल रहा हूँ, बायोडाटा की बात ना को निकालो। तुम बात समझा दे रहे हो, दिमाग खराब हो जाता मेरा। आज तुम बायोडाटा की बात निकालना ही। तुम बायोडाटा में क्या लिखे थे? हाँ हाइट क्या है? 5 फीट 10 इंच। मैं ऋतिक रोशन के जैसा गोरे चिट्टे लंबे पूरे होंगे समझी थी, मगर तुम तो राजपाल यादव के जैसा बटाने निकले 5 फीट 6 इंच के। ओ हेलो, तुम क्या लिखे थे बायोडाटा में याद है? हा? कलर कॉम्प्लेक्शन वेरी 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 फेयर। तो मैं क्या समझा करीना कपूर के जैसे गोरे अंडा होंगे तुम, मगर तुम तो बिपाशा बासु निकले, काला तोपा। और क्या लिखे थे तुम बायोडेटा में? माई स्ट्रेंथ इज माई हार्डवर्क।
एक नंबर के सुस्त है तुम, ऐनी कुंडा है तुम, खाए सो प्लेट उठाना नहीं होता, हार्ड वर्किंग करते हार्ड वर्किंग। ओ झाड़ू पोछा बर्तन ये औरतों के काम आए, खुद कर लेना भाई, खुद से नहीं हो रहा तो हमारे ऊपर नहीं डाला, हमारे को मालूम हम कितने हार्ड वर्किंग है सो। चुप बैठो जी चुप बैठो, तुम्हारे सारे झूठे बाता और झूठे वादे, अगर तुम्हारे वादे सच्चे रहते थे तो आज हमारे दो बच्चे रहते थे। दुखती रख पे हाथ मत रखो तुम, अरे क्या बात कर रहे तुम, ये फैमिली चैनल है। मालूम मेरे को फैमिली चैनल है, मगर फैमिली कहाँ है? एक मियाँ है एक बीवी है, बच्चे कहाँ है? बच्चे नहीं है तो क्या भाई, बच्चे नहीं है तो क्या, पूरा खानदान है हमारा, 3 लाख की फैमिली है हमारी, सुन रहे तुम, पूरे ऑल इंडिया हमारे सगे है। अच्छी बात है, बात को पलटाओ नक्को, बायोडाटा में क्या लिखे थे, आईटी जॉब प्लस बिजनेस, बिजनेस बोल तो क्या समझी थी मैं, टाटा बिरला अंबानी, तुम्हारी तो चाय बंडी है। वही बंडी है बल्कि आज तुम्हारे आंख पे चिंदी है, और जॉब के पैसे से तो खर्चे फेड़ रहे अपन, वही बंडी है बल्कि घर का गुजारा चल रहा, समझे? समझे बहुत समझे, एक नई साड़ी दिलाओ बोल तो इतने बाता सुना रहे, नहीं दिलाना है तो साफ साफ बोलो नहीं दिलाते बोल के, नहीं पूछती हूँ बार बार। पूछो जी पूछो, मगर तुम्हारे भाई से पूछो, क्या लिखे थे बायोडाटा में तुम, यंगर ब्रदर ओन बिजनेस, डब्बे पे बैठ के बिड़िया मारता दोस्तों के साथ उन्हें, झूठे हो गए सब बात को कहीं को निकाल रहे जी, हाँ दिलाते तो दिलाओ नहीं तो नक्को दिलाओ, मगर मेरे भाई के बारे में कुछ भी नक्को बोलो। अरे नाराज हो गए जी तुम, अच्छा छोने तुम्हें एक नई साड़ी दिलाना पड़ता था, अच्छा सुनो मैं दिलाता नहीं, मेरी बात सुनो, हाँ नक्को बोलो नहीं तो सही में दिलाना पड़ता, चलो जी दिलाता हूँ चलो, नक्को जैसी तुम्हारी मर्जी भाई, मैं तो दिलाता बोल रहा था तुम ही नक्को बोले, अब मैं क्या करना है भाई, दिला होना इस वालों को नहीं ना तो मैं क्या करूं, काम तो छोड़ दो। आखिरी पापड़ गली से नो, मेरे को इनकी चाल मालूम, कभी भी कुछ भी दिलाओ बोले तो लड़ लेते मेरे से, कहीं को बोल तो मैं इनसे बात नहीं करना और इनके पैसे बच जाना, मगर इस बार मैं इनकी चाल को कामयाब होने नहीं देती, इन्हें मेरे से कितनी भी लड़ने की कोशिश करने दो मैं नहीं लड़ती, और साड़ी तो ले खींच रहती, नहीं तो मैं जीनत मन्नत बी की बेटी नहीं। अजी अजी सुनो, डिस्टर्ब नको करो, अजी मेरी बात तो सुनो, मैं बोला ना डिस्टर्ब नको करो, आई एम बिजी। ऐसा क्या कर रहे जो इतना बिजी है, कितना इतना बिजी है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालो, हाँ ठीक है डालो। परिंदा बन के उड़ता फिरो मैं मस्त हवाओं में, जमीन पर लैंड होते कि हरा मसाला लेके आओ तहरी पकाने के वास्ते में। अगर ये तुम चिंदी मजाक नहीं करते थे ना तो आज तुम्हारे बहुत बेहतरीन गिफ्ट देता था मैं। गिफ्ट? मेरे को गिफ्ट दो ना जी प्लीज प्लीज। ठीक है आंखें बंद करो। हाँ ठीक है। छी ये क्या कर रहे तुम? अरे बैग की जिप खोला जी, गिफ्ट इसमें है। अच्छा अरे खोलो। नहीं पहले बोलो इसमें क्या है। वो गाड़ी दिख रही। ओह माय गॉड, तुम मेरे को एक्टिवा गिफ्ट कर रही? नहीं वो कलर की नेल पॉलिश गिफ्ट कर रहा हूँ। हटो नको करो जी तुम्हारे सारे मजाका मेरे साथ। असल ना शुक्रे है जी तुम, तुम्हाको इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत बीवी मिली तो भी जला के खा रही तुम, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अगर तुम्हारी जगह पे कोई और रहता था ना तो मेरे को पलकों पे बिठा के लगता था, पलकों पे। पलकों पे बोले तो याद आया, अर्ज किया है। आ, फेको। इशाद, इशाद। हाँ। अपनी बीवी को पलकों पर बिठा लो, उसे खुशी देख के उसके गम चुरा लो। वाह 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 वाह। अपनी बीवी को पलकों पर बिठा लो, उसे खुशी देख के उसके गम चुरा लो, प्यार ऐसे करो कि लोग देखते रह जाए, पड़ोसन भी कहे कि मुझे अपनी बना लो। अजी ये चिन्नी मजाका छोड़ो और 2000 की नोट तोड़ो। तुम्हारे बाबा लगे ना पैसों का झाड़ तोड़ के ला के देने के रास्ते में। एक कंजूस मारवाड़ी, हाँ एक साड़ी दिला बोले तो मर जा रहे क्या जी तुम, इतने पैसे क्या करते कब्र में लेके जाते। असल में तुम्हारे जैसा कंजूस आदमी आज तक नहीं देखी, 100 कंजूसा मरे तो तुम पैदा हुए होंगे शायद। तुम मेरे को मारने के वास्ते चप्पल उठाए? नहीं जी पहनने के वास्ते, बाहर जा रहा हूँ मैं।
अच्छा पैसे दे के जाओ। पैसे 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 पैसे, अरे काम, अरे यहाँ मेरे खर्चे को, मेरे चाय पानी की, मेरे बीड़ी गाड़ी को पैसे नहीं मिलता। पैसे दो पैसे दो, साड़ी साड़ी के वास्ते मर्दा रे क्या। देखो मेरी बात सुनो भाई, देखो आई एम सॉरी मुझसे मैं बोल लिया आपको, बट सही में पैसे नहीं है मेरे हाथ में। आज तक मैं जो चीज़ तुम पूछे अब तक वो नहीं दिलाया, दिलाया ना हर चीज़ दिलाया, मगर अब कहा तेरा खर्चे ज़्यादा हो गए, हाथ में पैसे नहीं है। पैसे आते कि मैं तुम्हारे साड़ी दिला दूँ। अच्छा पैसे आए तो दो साड़ियाँ दिलाते। दिला दो तुम्हारी कसम। या अल्लाह कुछ भी करके इनको पैसों का इंतजाम करा दे प्लीज प्लीज प्लीज। जाग भाई कौन है बा? ये सलीम भाई आपको 10,000 रुपए दे के भी जाए दियो बोल के। दो साड़ियाँ? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो मालूम ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कमेंट भूल गए, कमेंट भी करो, एंड थैंक यू सो मच फॉर द 3 लाख सब्सक्राइबर्स। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, हम लोग ऐसे अच्छे जबरदस्त वीडियोस बनाते रहेंगे। कमेंट करो कैसा भी, मगर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइक भी करो। अपना लाइक करो तो क्या करा, वीडियो आगे जाता, आगे गया तो हम लोग आगे जाते, हम लोग आगे गए तो हम लोग और अच्छी वीडियो बनाते। सही बोला हूँ, करेक्ट, परफेक्ट, खुदा हाफिज़।